हेलो माय यूट्यूबर्स, माय यूट्यूब फ्रेंड्स, और सॉरी तो काफ़ी गैप आ गया मेरे और मेरे फ्रेंड्स के बीच, जो ये लर्निंग का सिस्टम था तो उसके लिए बहुत बहुत मैं माफ़ी चाहता हूँ। बस अपना थोड़ा सा सिंगिंग के कॉन्सर्ट्स में बिजी था और आज बैठा हूँ, ढोलक का कुछ कर रहा था, सोचा अपने दोस्तों के साथ मैं शेयर करूँ। तो आइए फ्रेंड्स, तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए फिर से बढ़ते हैं कहरवा ताल की ओर। और भी ताल मैं रूटीन से लेसन को मैं अपलोड करूँगा, और भी ताल जो हैं कहरवा का अलावा, जो दादरा है या जप ताल, तीन ताल और भी एक ताल, तो जितने भी मैं कोशिश करूँगा डे बाय डे आप लोगों को सिखाने की। और जो खासकर उन लोगों के लिए जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और लाइक करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और शेयर भी करते हैं हमारे इस वीडियोस को, और सीख भी रहे हैं, और कुछ लोग मुझे मिले भी हैं आगे, उनका भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं उनको भी। और खैर आइए, मैं थोड़ा सा एक पैटर्न बजा रहा था तो सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। और वो पैटर्न है एक कहरवा का, बट एक वेस्टर्न स्टाइल है। जब हम कुछ वेस्टर्न में करते हैं ना, कुछ वेस्टर्न स्टाइल में अगर हम सिंपल अपना कहरवा जोड़ें तो उसको उसमें अच्छा नहीं लगता, फिट नहीं बैठता। तो अगर कहरवा को बीट्स वही है 4 बीट या 8 बीट, उसको वेस्टर्न स्टाइल में हम डालें तो उसका थोड़ा गाने का एक रोब बन जाता है और उसका अच्छा लगता है। लाइक ना देखिए, कोई भी अगर हम वेस्टर्न सॉन्ग गा रहे हैं, ये चीज़ सिखाऊं इतना ही, तो आइए कुछ भी वेस्टर्न टाइप आप सॉन्ग ले सकते हैं। अब मुझे एकदम से माइंड में नहीं आ रहा कि कौन सा सॉन्ग अब मैं आपको बताऊंगी जो इस ताल में फिट हो जाए, बट कुछ लोग होते हैं लाइक जैसे सॉन्ग था, एक आया था पानी दा रंग देख के अखियां झुंझुर पानी दा, ये चीज जो लाइक ज़्यादातर जो गिटार बेस के गाने हैं, जो गिटार पे गाए जाते हैं, ठीक है ना। तो एक और था यार, कौन सा गाना था जो हनी सिंह ने किया था, उसमें रैप भी किया था, तो वो चल कोई ना कल बिगर हुई ना, ठीक है ना, तेरी आजादी संदूक गया, रो रो कर दे ये जी, गिटार बेस जितने भी गाने, ओके। तो आइए अब सीखते हैं। तो इसके बोल जैसे मैं हमेशा वीडियोस में बोलता हूँ कि राइट डाउन कीजिए और उसको फिर अकेला अकेला बोल उसका समझिए, और कौन सा बोल कहाँ पे हिट करना है, कहाँ से प्ले करना है, और उसको भी आप लोग देखिए और सारा कुछ अपने माइंड में भर के फिर ढोलक बजाइए और फिर वो चीज़ आपके माइंड में से बाहर निकलेगी, ओके। पहले माइंड में होना चाहिए, उसके बाद बाहर आता है। और इसके बोल थे जो राइट डाउन कीजिए, तो मैंने हर वीडियो में बता चुका हूँ कि क्योंकि मैं एक्सप्लेन थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, बट उसके लिए सॉरी, पर वो करना भी पड़ता है, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी, ओके। तो जैसे हर वीडियो में बताया, धिन कहाँ से निकलेगा, धी कहाँ से निकलेगा, धा, टिट, तिक, तिर, किट, ये वो सभी जो जितने भी जितने मैं जानता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, ओके। तो आइए इसमें धिन, धिनक, धिन, ती, तिट, नाना, तिट, ओके, धिन, धिनक, धिन, ती, तिट, नाना, तिट, धिन, धिनक, धिन, ती, तिट, नाना, तिट, ओके। इसका जो धिन आपको पता है, धिनक आपको पता है, मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ आप लोगों को, और जो नए हैं वो मेरी पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो जो नए हैं और जो रूटीन से जुड़े हैं उनके लिए तो मैं बोलूँगा कि जैसे जैसे मैंने आपको पीछे सिखाया तो उसका ही बोल्स का सहारा लेकर आप लोग ऐसे करिए, ओके। ये जैसे अब धिन, धिन, इस इधर से ये चीज़, ओके, बंद, और इधर से ये, ओके, धिन, फिर धी को इधर से सेम जैसे धिन का करते हैं और इधर से थोड़ा स्लाइड करना, ओके, धिन, धी, ओके, धिन, धिनक, ये नक, नक,
नक। ओके, ये नक को जो होता है ना, ये ना इधर से अकेला और का थोड़ा सा इधर से, ये बंद बोल थोड़ा सा देना है। अगर ना भी दो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आकर ये चलेगा, ठीक है? ओके, दिन दिनक, दिन दिनक, दिन दिनक, दिन। ओके, दिन दिनक, दिन। अब जिस थ्योरी से मैं आपको बता रहा हूँ, दिन जैसे निकलेगा और धिनक जैसे निकलेगा, फिर दिन आ रहा, दिन वैसे ही बजेगा जैसे आप दिन धिनक दिन। ती तिट ना ना तिट। अब ती ये हो गया, फिर तिट ये हो गया। ओके, ये ती, ये तिट, फिर ना ना तिट। ओके, ती तिट ना ना तिट, ती तिट ना ना तिट, ती तिट ना। पूरा पहले एक एक बोल करके निकालोगे तो निकलेगा, पूरा समझने बैठोगे तो समझ नहीं आएगी, कंफ्यूजन आपके माइंड में पड़ जाएगी और आप छोड़ दोगे। ओके, दिन धिनक दिन, ती तिट ना ना तिट, दिन धिनक दिन, ती तिट ना ना तिट, दिन धिनक दिन, ती टाइम दिन, धिनक दिन, ती तिट ना ना तिट, दिन धिनक दिन, ती तिट। ओके, मैं फिर से समझाता हूँ। ये धिन धिनक, 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 धिन धिन धिनक, धिन ती धिन धिनक धिन। ओके, थोड़ा सा कम तेज आपके सॉन्ग के ऊपर है, कौन सी टेम्पो में सॉन्ग वो गा रहा है, गाना जिस भी बीट में लय में चल रहा है, रिदम में, वो तेज, सॉरी, अब इसको आप बदल के घूम के कहरवा में, ये भी कहरवा है, अपना स्टाइल में भी आ सकते हो जो मैं आपको बताया था। ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जो जो मैं निकाल रहा हूँ और सिखाई भी, और नई से नई चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। ओके, पहुँच गए। तो जैसे मैंने अभी बताया, ये तो आई होप कि आप लोगों ने सीख ही लिया होगा जो स्टाइल मैंने आपको इसका बताया था। ओके, एक रिंग स्टाइल होता है, अभी मेरे हाथ में रिंग नहीं है तो इसलिए मैं ये ज़्यादा ईजी है उससे, क्योंकि जब आप कुछ प्ले करने बैठोगे कुछ कॉन्सर्ट्स में भी, और इस पैटर्न से आपको, ये बहुत सॉफ्ट पैटर्न है और आवाज़ पूरी निकलेगी, आपको थकावट नहीं होगी। फिर वही, क्योंकि ऐसे ऐसे करके बजा के ढोलक का ही इंटरेस्ट बनता है। सिर्फ एक ही पैटर्न को बजाए जाओगे वो भी अच्छी बात है, उससे पैटर्न में हाथों में लय आती, बट उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन लाओ तो आपका मन लगेगा ढोलक में। ओके, ये भी पैटर्न है। फिर भाई,
थैंक यू फ्रेंड्स, और देखते रहिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और लाइक एंड शेयर एंड कमेंट हो सके तो कीजिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, मैं ज़रूर आऊँगा। और थैंक यू सो मच, आप लोगों की दुआएँ चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, और बस और कुछ नहीं। थैंक यू।